शिवपुरी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज रात करीब 2:30 बजे डायल 100 से राकेश आदिवासी और ब्रजेश आदिवासी मायापुर थाने पहुंचे। बताया कि कल शाम के समय से उनकी 7 साल की लड़की अरुंधति कहीं चली गई है। सभी जगह तलाश करने पर भी उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के मार्गदर्शन एसडीओपी पिछौर दीपक सिंह तोमर के नेतृत्व में थाना प्रभारी मायापुर के द्वारा थाने के बल डायल 100 के साथ रात में ही गुम हुई बच्ची को यहां पर आसपास के गांव में तलाशा और शाम के वक्त एक बच्ची अकेली मसूरी गांव के कच्चे रास्ते में दिखाई दी, जिसके बाद जानकारी मिली कि बच्ची रात में अकेली गांव में रो रही थी, जिसे गांव के सरपंच के द्वारा खाना खिलाकर सुरक्षित रखा है और पुलिस के पहुंचने पर पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस के द्वारा खोई हुई बच्ची को उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाए जा रहे अभियान की इस दस्तियाबी में थाना प्रभारी मायापुर उपनिरीक्षक हरिशंकर शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अजय पटेल, आरक्षक विक्रांत शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। खोई हुई बच्ची को पुलिस के द्वारा परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सूचना मिली थी डायल 100 के माध्यम से ब्रजेश और राकेश निवासी गुरैया माड़ा खेरा के यहाँ इन्होंने बताया कि हमारी एक 7 साल की बच्ची शाम से गायब हो गई है, तो उसको रात्रि में ही डायल 100 और पुलिस की टीम के साथ जाकर तलाश किया। तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची शाम के समय हो रही कौन सा गांव है वो मसूरी की तरफ जाते हुए देखी गई है। जब मसूरी में रात्रि में जाके पता लगा तो गांव के सरपंच के यहाँ जानकारी मिली कि कोई रात्रि में एक बच्ची वहाँ रो रही थी, जो उसने उसको खाना वाना खिला के रख लिया है। रात्रि में इस बच्ची को ढूंढ लिया और सुबह तक आके थाने पर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। बाकी बच्ची सुरक्षित है और परिजन, चूँकि बच्ची छोटी अकेली घर पर थी, इसके जो फूफा था वो सभी लोग मजदूरी करने चले गए थे, तो बच्ची अकेली खेलते खेलते गांव के रास्ते से दूसरे गांव की तरफ चली गई थी, जो सकुशल वापस इनको परिजनों को सुपुर्द की गई है।